नमस्कार बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे फेडरलिज्म यानी कि संघवाद। क्लास 10 सिविक्स का ये दूसरा चैप्टर है जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से पावर को डिवाइड किया गया है डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। पिछले चैप्टर में जो हमने इसको देखा था, इस चैप्टर में भी हम लोग देखेंगे कि पावर का डिवीजन हुआ है लेकिन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे हम लोग देखेंगे पावर शेयरिंग और इस चैप्टर में हम इसी को फोकस करेंगे। और फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरलिज्म को डिस्क्राइब हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। तो चलिए हम लोग चैप्टर की ओर चलते हैं और शुरू करते हैं। व्हाट इज फेडरलिज्म? सो लेट अस गेट बैक टू द कंट्रास्ट बिटवीन द बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो श्रीलंका और बेल्जियम की बात करते हैं, जो लास्ट चैप्टर में हमने जिसके बारे में पढ़ा है, और उसी से हम समझने का प्रयास करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वाज टू रिड्यूस द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गिव दिस पावर टू द रीजनल गवर्नमेंट। श्रीलंका और बेल्जियम में बेल्जियम की जो घटना थी जहाँ पे सेंट्रल पावर को रिड्यूस किया गया था और सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर को कुछ दिया गया रीजनल गवर्नमेंट को, और इस तरीके से रीजनल गवर्नमेंट जो है इससे पहले भी बेल्जियम में एग्जिस्ट करती थी लेकिन अब उसके पास पावर था। सो दे हैड देयर रोल्स एंड पावर्स बट ऑल दिज पावर्स वेयर गिवेन टू दिस गवर्नमेंट एंड कुड बी विड्रॉ बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो द चेंजेस दैट टुक प्लेस इन 1993 वॉज द रीजनल गवर्नमेंट वेयर गिवेन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दैट वेयर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 1993 में जो चेंजेस आया वहाँ पे, उस समय रीजनल गवर्नमेंट को जो पावर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जिससे क्या हुआ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट पे उनकी डिपेंडेंसी थी वो कम हो गई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम ए यूनिटरी टू अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जहाँ पहले सरकार जो थी, केंद्र सत्ता जो थी, सत्ता का जो पावर था वो केंद्र सरकार के पास था, वो धीरे धीरे 1993 आते आते वो क्या हुआ कि वो अब रीजनल लेवल के गवर्नमेंट में पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो दूसरी तरफ हम श्रीलंका को देखते हैं कि श्रीलंका कंटिन्यू टू बी फॉर ऑल पार्टिकुलर पर्पस, सभी उद्देश्यों के लिए जो श्रीलंका था यूनिटरी सिस्टम पे डिपेंड करता था। एंड वेयर द नेशनल गवर्नमेंट सेल ऑल द पावर, हैज ऑल द पावर, गवर्नमेंट नेशनल गवर्नमेंट जो था सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके पास उसकी पूरी शक्ति थी। एंड तमिल लीडर वांट श्रीलंका टू बिकम द फेडरल स्टेट। लेकिन वही तमिल लीडर्स जो थे वो चाहते थे कि श्रीलंका जो है फेडरल सिस्टम का स्टेट बने। सो अब यहाँ पे हम लोग आते हैं दोनों चीज़ को पढ़ने के बाद, दोनों चीज़ को समझने के बाद कि फेडरलिज्म है क्या। तो फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे जो कंट्री में अलग अलग लेवल बनाया गया है, उस लेवल में जब पावर को डिवाइड किया जाता है, सेंट्रल अथॉरिटी अपने पावर को डिवाइड करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फेडरलिज्म कहते हैं। उस तरह के सिस्टम को हम लोग फेडरलिज्म कहते हैं। सो यूजुअली फेडरेशन हैज टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। देखा जाए तो जनरली मैक्सिमम जितने भी फेडरेशन हैं पूरे वर्ल्ड में, वहाँ मुख्य रूप से दो लेवल का गवर्नमेंट मिलता है, कहीं कहीं तीन लेवल का मिल जाता है। जैसे कि बेल्जियम में हमने देखा था एक तीसरा कम्युनिटी लेवल था, भारत में ही अगर देखें तो एक लोकल गवर्नमेंट भी है, तो ये तीसरा लेवल भी हमारे देश में है। लेकिन मेन रूप से जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो दो लेवल का है, वो एक है सेंट्रल लेवल और दूसरा है आपका जो पूरे इंटायर कंट्री को रूल करता है, जिसके पास इंटायर कंट्री से रिलेटेड जो इन सब्जेक्ट्स होते हैं वो कहलाता है सेंट्रल लेवल का। और दूसरा है जो है कि प्रोविंशियल लेवल पे होता है, यानी स्टेट लेवल पे होता है, और ये प्रोविंशियल या स्टेट लेवल पे जो चीज़ों को देखता है वो हमारा स्टेट लेवल गवर्नमेंट कहलाता है। तो दोनों लेवल का जो गवर्नमेंट है वो अपने पावर को इंजॉय करता है, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या फिर
सेंट्रल लेवल का, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र है। यहाँ पे देखिए पिक्चर दिया हुआ है जिसमें आपको बताने का प्रयास किया गया है कि फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम कौन कौन से कंट्री में। तो इस पिक्चर को देखते हुए आपको क्या करना है, एक लिस्ट तैयार करना है कि वर्ल्ड में कौन कौन से ऐसे कंट्री है, कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड विच हैव फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम। तो उसमें आपका क्या क्या आ जाएगा, एक एक करके आप देखते जाइए और इसको लिस्ट तैयार करके हमारे साथ शेयर कीजिएगा। कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मोरक्को, ये हो गया आपका, वेनेजुएला इधर हो गया, ये अमेरिका, अमेरिकन कंटिनेंट में। यहाँ पे आ जाइए, बेल्जियम, स्पेन, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, है ना, यहाँ आ जाइए, बोस्निया हर्जेगोविना, ये वाला है छोटा सा, यहाँ पे छोटा सा पार्ट है, ये हो गया नाइजीरिया, यूथोपिया, साउथ अफ्रीका। फिर उसके बाद आ जाइए यहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया, और यहाँ रसिया, और ये ऑस्ट्रेलिया। तो इतने सारे कंट्री हैं जहाँ पे फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अपनाया गया है। ये कह रहा है कि दाओ ओनली 25 नेशन ऑफ द वर्ल्ड, 193 कंट्री में 25 नेशन जो है वो फेडरल सिस्टम को अपनाए हुए हैं, बाकी के अभी भी जो है या तो यूनिटरी सिस्टम में है या वहाँ कोई अलग तरह का गवर्नमेंट अभी चल रहा है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है या कुछ और, वहाँ कहीं कहीं डिक्टेटरशिप है, कहाँ कहीं मिलिट्री शासन है, तो इस तरीके से शासन उनका अपना अपना चल रहा है। तो इन दिस सेंस फेडरेशन को अगर हम समझते हैं तो फेडरेशन आर कॉन्ट्रास्ट विथ यूनिटरी गवर्नमेंट। अंडर द यूनिटरी सिस्टम आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट आर सबऑर्डिनेट्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर फेडरेशन और यूनिटरी को कंपेयर करें तो यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है कि एक मेन रूप से आपका हेड होता है ना, ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है जो हेड होता है, और बाकी उनके अंदर जो काम करने वाले सब यूनिट होते हैं वो सब उसके सबऑर्डिनेट की तरह काम करते हैं, और ये सबऑर्डिनेट सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होते हैं। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर टू प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट, और लोकल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर मानना पड़ेगा। तो ऑर्डर यहाँ पे पास किया जाता है। दूसरी तरफ अगर फेडरल गवर्नमेंट की बात करें तो फेडरल गवर्नमेंट में दो तरह का लेवल होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट का। एंड स्टेट गवर्नमेंट का अपना पावर होता है और वो अपने तरीके से उसको इंजॉय करता है, वो जो पावर इंजॉय करता है उसके लिए वो खुद एंसरेबल होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो पावर इंजॉय करती है उसके लिए वो खुद एंसरेबल होता है टू द पीपल। क्योंकि आप देखते होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए खुद एक अलग से इलेक्शन की व्यवस्था की जाती है और उसमें जनता सेंट्रल गवर्नमेंट को चूज़ करती है, उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को भी जनता डायरेक्टली चूज़ करती है। तो बोथ गवर्नमेंट जो है वो सेपरेटली एंसरेबल है टू द पीपल, लोगों के प्रति वो दोनों अलग अलग जवाबदेह है। सो तो एक एक करके हम लोग फेडरलिज्म का जो की फीचर है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या क्या फीचर है फेडरलिज्म का। तो दीज आर टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। पहला फेडरलिज्म का पहला फीचर कि दो लेवल है गवर्नमेंट का, कौन कौन सा, जिसको टू टीयर भी कहते हैं, है ना, एक हो गया स्टेट गवर्नमेंट और दूसरा जो हो गया हायर सेंट्रल गवर्नमेंट। अब कहता है डिफरेंट टीयर ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स बट ईच टीयर हैज़ इट्स ज्यूरिडिक्शंस, यानी कि इसके अधिकार क्षेत्र हैं। ज्यूरिडिक्शंस मीन्स अधिकार क्षेत्र है, कौन से अधिकार क्षेत्र इसके डिफाइन किए गए हैं, लेजिस्लेशन का, टैक्सेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन का, और इसके लिए हमारे संविधान में सब्जेक्ट्स बनाए गए हैं, सब्जेक्ट्स का लिस्ट बनाया गया है जिसमें आपने पढ़ा होगा क्लास एट में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और एक कंकरेंट लिस्ट। तो वो ज्यूरिडिक्शंस को डिवाइड करता है। का थर्ड जो फीचर्स है वह जब ज्यूरिडिक्शंस ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीयर ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाई इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सो द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टीयर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड। तो ये जो हमारा अलग अलग टीयर ऑफ गवर्नमेंट है वो सब का एग्जिस्टेंस जो है, अथॉरिटी जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटीड किया गया है।
फोर्थ है द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाय द वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब कुछ फंडामेंटल प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको एक तरफा चेंज नहीं किया जा सकता है, सिर्फ अगर गवर्नमेंट जो हाइयर लेवल का है वो चाहे कि चेंज कर देंगे, या लोअर लेवल का है जो चेंज कर देंगे, तो वो चेंज नहीं कर सकता है। कुछ फंडामेंटल ऐसे प्रोविजंस बनाए गए हैं जो दोनों लेवल के गवर्नमेंट को कंसेंट जरूरी है। तो जो फंडामेंटल प्रोविजंस हैं, उस फंडामेंटल प्रोविजंस को अगर चेंज करना है तो बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट का कंसेंट जरूरी है। तो ये बात हो रही, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि संविधान संशोधन की बात हो रही है, कि संविधान में संशोधन कौन कर सकता है, क्या अकेले केंद्र सरकार संविधान संशोधन कर सकती है? तो कई मुद्दों में वो करती है, लेकिन कई मुद्दों में कई ऐसा चीज़ हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट से भी वो चीज़ पास करवाना होता है। फिफ्थ जो इम्पोर्टेंट है वो है कोर्ट। तो कोर्ट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखे गए लॉज हैं उसको इंटरप्रेट करे, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के क्या क्या लॉ हैं उसको इंटरप्रेट करे। एंड द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज एन अम्पायर इफ डिस्प्यूट अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारे देश का एपेक्स कोर्ट कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। तो अगर किसी दो स्टेट के बीच में या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको फाइनली उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने का काम कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट, जो कि एपेक्स कोर्ट है हमारे देश का। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है ईच लेवल का, वो भी डिसाइड कर दिया गया गवर्नमेंट को, ने गवर्नमेंट को क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है कि कौन किस फाइनेंशियल लेवल में काम करेगा, यानी कि सबको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी गई। सेवन जो फीचर है आपका वो है कि फेडरल सिस्टम दस हैज ड्यूअल ऑब्जेक्टिव। फेडरल सिस्टम के पास दो ऑब्जेक्टिव है, पहला क्या है? तो टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। पहला काम ये करती है कि सेफ गार्ड प्रोवाइड करती है, टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, कंट्री के यूनिटी के लिए, एकता के लिए वो सेफ गार्ड प्रोवाइड करती है। एंड वाइल एट द सेम टाइम एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, और साथ ही साथ इसका ये भी काम है कि जो रीजनल डाइवर्सिटी है उसको भी एकोमोडेट करे। सो देयरफॉर टू एस्पेक्ट आर क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म। गवर्नमेंट एंड डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल्स एंड पावर शेयरिंग। डिफरेंट लेवल का जो गवर्नमेंट है वो सबको एक एग्जैक्ट पावर शेयरिंग पे एग्री किया गया है। एंड दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट दैट ईच वुड अवॉइड बाई इट्स पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट, और अपने अपने एग्रीमेंट पे ये लोग काम करते हैं। एंड आइडियल फेडरल सिस्टम हैज़ बोथ एस्पेक्ट। अगर एक आदर्श फेडरल सिस्टम की बात करें तो उस दोनों के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट होता है, और वो जो एग्रीमेंट हुआ है उस पर वो दोनों लोग काम करते हैं, एग्री होते हैं। सो द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर फेडरेशन। हाँ, ये बात है कि बैलेंस जो है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में वो वेरी करता है, वो फेडरेशन पे, अलग अलग कंट्री पे। एंड दिस बैलेंस डिपेंड मेनली द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन विच द फेडरेशन वॉज फॉर्म। अब ये उस पर डिपेंड कर रहा है कि कैसे, किस परिस्थिति में फेडरेशन को बनाया गया था, उसका उस समय का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है। सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स ऑफ फेडरेशन। ये देखिए फिर आपके लिए इम्पॉर्टेंट आ रहा है कि फेडरेशन बनाने में टू काइंड्स ऑफ, जो फेडरेशन फॉर्म हुआ है उसमें दो तरह के रूट्स हैं जिसमें फेडरेशन का फॉर्मेशन होता है। पहला रूट है, ध्यान रखेंगे, पहला रूट है कि दे इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगेस्ट यूनिट। यानी कि इंडिपेंडेंट स्टेट क्या होते हैं, एक साथ आते हैं और एक साथ मिलकर वो एक बड़े बिगर यूनिट का निर्माण करते हैं। तो आपको ये याद रखना है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ये नाम आपको याद रखना है। जब कई इंडिपेंडेंट स्टेट्स एक साथ आते हैं और एक साथ आने के बाद वो एक बड़े से यूनिट का निर्माण करते हैं तो उस यूनिट को हम लोग कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें क्या होता है
कि सॉवरनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। तो अपने सॉवरनिटी और आइडेंटिटी को बचाते हुए वो सिक्योरिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो इस तरीके का जो फेडरेशन बनता है वो कमिंग टुगेदर कहलाता है, और ये फेडरेशन आज के समय में USA, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें बहुत सारे देश जो है, बहुत सारे स्टेट्स जो हैं, वो एक साथ मिलकर एक फेडरेशन का निर्माण किया। सो इन द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फेडरेशन ऑल द कंस्टिट्यूएंट स्टेट यूजुअली हैव इक्वल पावर एंड आर अ स्ट्रॉन्ग वाइस वर्सा दैट फेडरल गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है कि जितना सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल होता है उतना ही पावरफुल हर एक गवर्नमेंट होते हैं, सभी गवर्नमेंट का अपना पावर होता है, सभी उतने ही पावरफुल होते हैं। सेकेंड जो रूट है वो भी इम्पोर्टेंट रूट है। इसमें क्या होता है कि एक लार्ज कंट्री, एक बड़ी कंट्री अपने पावर को क्या करती है, डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स के बीच में, बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स के बीच में वो डिवाइड करती है। यानी कि एक लार्ज कंट्री जब डिसाइड कर ले कि वो अपने पावर को डिवाइड करेगी डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट स्टेट के बीच में, तो इस तरीके का जो फेडरेशन बनेगा वो फेडरेशन आपका कहलाएगा होल्डिंग टुगेदर। इसमें आपका इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन काम करता है। इन दिस सेकेंड कैटेगरी द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंस टू बी मोर पावरफुल वाइस वर्सा द स्टेट। अब कहता है कि इस स्थिति में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि उसने डिसाइड किया है कि हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द स्टेट्स। सो वेरी ऑफन डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर। और इस स्थिति में ये देखने को मिल जाता है कि जो यूनिट्स जिनके बीच में पावर डिवाइड किया गया, तो संभव है कि कभी कभी किसी किसी के बीच में अनइक्वल पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर। जैसे कि हम लोग बात करें तो 2019 से पहले कश्मीर को एक विशेष पावर दिया गया था 370 धारा के अनुसार, और जब इस धारा को ख़त्म कर दिया गया तो अब हमारे पास जो है, जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको दो भाग में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर एंड श्रीलंका, और दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो ये सेंट्रल पावर ही है जहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये होल्डिंग टुगेदर जो फेडरेशन ही है जिसके कारण हमारे सेंट्रल अथॉरिटी को यहाँ पे ज़्यादा पावर दिया गया। कुछ नेपाली सिटीजन का यहाँ पे डिस्कशन दिया गया है, तो इसमें आप उसको पढ़ लेंगे कि क्या ये लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। इंडिया आखिर फेडरल कंट्री बना कैसे और क्यों हम इंडिया को फेडरल कंट्री कहते हैं। तो हमने पीछे देखा है कि जब श्रीलंका जैसे कंट्री में, बेल्जियम और श्रीलंका जैसे कंट्री में बहुत सारे प्रॉब्लम जब वो फेस कर रहे थे, तो अपने डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए ये प्रॉब्लम वहाँ फेस हो रहा था। तो इतने छोटे कंट्री में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था, तो भारत तो बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री होने के बाद यहाँ पे जो कई सारे डिफरेंसेस हैं लैंग्वेज के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, रीजन के आधार पे, तो फिजिकल फीचर्स के आधार पे, तो यहाँ पे पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी था। सो व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन आवर कंट्री। तो यहाँ पावर शेयरिंग कैसे किया गया, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इंडिया हैड इमर्ज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर अ पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन। पहले तो एक लंबा स्वतंत्रता संग्राम हमारा चला, फिर लंबे स्वतंत्रता संग्राम चलने के बाद जिस तरीके से मुस्लिम लीग अपना एजेंडा शुरुआत के समय से ही चला रही थी कि उसको इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए अलग से रिप्रेजेंटेशन चाहिए, फिर अलग से रिजर्वेशन चाहिए, रिप्रेजेंटेशन की मांग करते करते एक समय आया कि मुस्लिम लीग ने अलग देश की मांग कर दी, और अंततः जब उन्हें लगने लगा कि उन्हें अलग देश नहीं मिलेगा, तो डायरेक्ट एक्शन डे जैसे घटना को उसने अंजाम दिया। भारत में काफ़ी ज़्यादा ब्लड शेड हुआ, काफ़ी ज़्यादा दंगा हुआ, जिसमें लाखों की संख्या में लोग मारे गए दोनों तरफ से, हिंदू हो या मुसलमान, और अंततः भारत में, भारत के बंटवारे के लिए लोग तैयार हो गए।
वो अलग बात है कि अंग्रेज़ों का इसमें काफ़ी योगदान रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश के जो लोग थे वो आपस में जो वैमनस्य फैला रहे थे, जिससे भारत और पाकिस्तान धर्म के आधार पर भारत को बांटा गया, और इसमें कहीं ना कहीं दोनों जिम्मेदार थे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर मुस्लिम लीग, दोनों की इक्वल जिम्मेदारी थी भारत को बांटने में। सो सून आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसली स्टेट बिकम अ पार्ट ऑफ द कंट्री। जब हम इंडिपेंडेंट हो गए तो हमारा जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र में कई सारे प्रिंसली स्टेट थे जिसपे इनडायरेक्टली अंग्रेजों का शासन था, वो भारत का अंग बना। क्योंकि भारत को जब आज़ादी मिली तो भारत को दो देश नहीं बना था, बल्कि यहाँ पे 563 स्टेट्स को फ्री कर दिया गया था कि जिसको जहाँ जाना है जा सकते हैं, स्वतंत्र रहना है रह सकते हैं, भारत में मिलना है भारत में मिल जाए, पाकिस्तान में मिलना है पाकिस्तान में मिल जाए। और यहाँ तक कि भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा किया गया वो इस हिसाब से भी नहीं किया गया कि इस तरफ हिंदू ज़्यादा रहते हैं या इस तरफ मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं, बस एक लाइन खींच दी गई और दोनों तरफ से कई सारे हिंदू और मुसलमान जो थे वो अपने घर के लिए विस्थापित हो गए, अपने देश के लिए हमें कहाँ रहना है नहीं रहना है इसके लिए उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। खास करके अगर पाकिस्तान की स्थिति देखें तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा दयनीय स्थिति हो गई, क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी मुसलमान यहाँ से भारत से गए उनको तो सबसे पहले सेकेंड क्लास सिटीजन के रूप में देखा गया, पहला। दूसरा, जो वहाँ हिंदू बचे थे, जो भाग के आए तो आए, लेकिन जो हिंदू बचे थे आज वहाँ देखे कि उनकी जनसंख्या काफ़ी कम हो चुकी है और उनको ज़बरदस्ती किसी भी तरीके से इस्लाम धर्म स्वीकार करवा दिया गया, और ये प्रोपेगेंडा वहाँ हमेशा चलते रहता। तो दोनों देश के लिए ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हुआ। दूसरी तरफ अगर देखें तो इंडिया में जितने भी मुसलमान थे, यानी जितने भी लोग थे, खास करके अगर देखें जो प्रोविंसेस जिसने पाकिस्तान की मांग की थी, पाकिस्तान के मांग करने वाले मैक्सिमम 90% मुसलमान जो थे वो भारत में ही रह गए, क्योंकि उनकी जो पैतृक संपत्ति थी वो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, इस तरीके का जो एरिया था जहाँ उनकी संख्या ज़्यादा थी वहाँ पर वो निवास करते थे। और जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उनको जो जगह मिला वो उनके इच्छा के अनुरूप नहीं था, तो वो फिर यहीं के रह गए। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का बना, उस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिसाइड किया गया कि इंडिया एज ए यूनियन ऑफ अ स्टेट काम करेगा। कैसे काम करेगा? इंडिया एज ए यूनियन ऑफ अ स्टेट, यानी कि राज्यों का समूह के रूप में काम करेगा। ऑल्दो इट डिड नॉट यूज़ द वर्ड फेडरेशन, जबकि ये यहाँ पे फेडरेशन वर्ड का यूज़ नहीं हो रहा था। द इंडियन यूनियन इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म, और ये जो इंडियन यूनियन है वो प्रिंसिपल और फेडरलिज्म पे आधारित है। सो लेट अस गो बैक टू द 7 फीचर ऑफ फेडरलिज्म मेंशन एवर। अब पीछे का आप 7 फीचर्स को आप देखिए, तो उसके आधार पर हम इंडिया को कंपेयर करते हैं। तो वेन वी सी दैट दिस ऑल दिस फीचर्स अप्लाई टू द प्रोविजन्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर ए टू टीयर गवर्नमेंट। तो पहला, सबसे पहले तो यही हो गया कि टू टीयर ऑफ गवर्नमेंट हमारे देश में बना, एक यूनियन गवर्नमेंट जिसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के भी नाम से जानते हैं, है ना, और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट। तो यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो था, यूनियन ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये दो लेवल बना हमारे, दो टीयर बने, और इस दोनों टीयर के अनुसार भारत को एक यूनियन ऑफ स्टेट का दर्जा मिला। तो लेटर बाद में हम देखते हैं कि एक थर्ड स्टेट भी यहाँ बना, थर्ड टीयर भी बनाया गया, हमने पहले भी कहा था, जिसको हम लोग पंचायत या म्यूनिसिपलिटीज़ कहते हैं, इसको लोकल लेवल का गवर्नमेंट कहा जाता है। सो एज़ इन एनी फेडरलिज्म दिस डिफरेंट टीयर्स इंजॉय सेपरेट ज्यूरिडिक्शंस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड ए थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो इस तरीके से यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, तो मेन रूप से यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, और इसके लिए तीन तरह के लिस्ट बनाए गए हैं। पहला तो है, वो है यूनियन लिस्ट, जिसमें वैसे सब्जेक्ट्स को इम्पोर्टेंस दिया गया है जो नेशनल कंसर्न के हैं, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी,
इन सारे चीज़ों को इसमें ऐड किया गया है एंड दे आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दिस दिस मैटर्स थ्रू द कंट्री। पूरे देश में हमें एक ही तरीके का इन सारे चीज़ों पे नियम चाहिए और इसलिए इसमें यूनियन लिस्ट में रखा गया और इस पे यूनियन गवर्नमेंट को अकेले अधिकार दिया गया है कि उस पे वो शासन कर सकती है, उस पे नियम बना सकती है जो कि यूनियन लिस्ट में इन्वॉल्व है या रिटेन है। दूसरा स्टेट लिस्ट है। स्टेट लिस्ट में वैसे सब्जेक्ट को रखा गया है जो लोकल लेवल या स्टेट लेवल के लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं, जैसे पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। तो इस तरीके के जो चीज़ हैं उस पर स्टेट लिस्ट में उसको रखा गया और यहाँ पे वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपना नियम बना सकती है। तो एलोन स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ रिलेटिंग टू दिस सब्जेक्ट विच मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। थर्ड जो है आपका वो है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में वैसे सब्जेक्ट रखे गए हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज यूनियन गवर्नमेंट दोनों जो है अपना नियम बना सकती है, जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन। तो इस तरीके का जो नियम है, इस तरीके का जो मुद्दे हैं, इस मुद्दे पे दोनों सरकार शासन करती है, दोनों अपना नियम बनाती है। लेकिन यहाँ पे आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, बट यदि कोई कन्फ्लिक्ट हो जाए लॉ पे तो जो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉ बनाया जाता है वही ओवरऑल मान्य होता है। यानी कि अगर स्टेट गवर्नमेंट उस पर कानून बना चुकी है अब फिर यूनियन गवर्नमेंट उस पर कानून बनाती है तो यूनियन गवर्नमेंट को ही ये अधिकार है कि उसके कानून चलेंगे, यूनियन गवर्नमेंट के कानून फिर उस पर अप्लाई होंगे और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए कानून अपने आप क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। सो व्हाट अबाउट सब्जेक्ट दैट डू नॉट फॉल इन एनी अदर थ्री लिस्ट, एनी ऑफ द थ्री लिस्ट। अब ये तीनों लिस्ट के अलावा कुछ नए सब्जेक्ट्स भी क्रिएट होते रहते हैं, जैसे कि अगर अभी बात करें तो साइबर क्राइम जो है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो चीज़ है ना, अभी अगर बात करें तो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जो चीज़ है, ये नए नए जो चीज़ आते रहते हैं इस पे कानून कौन बनाएगा। तो अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन अगर इस तरीके के जो नए चीज़ आते रहेंगे तो उसके लिए एक यूनियन गवर्नमेंट को पावर दिया गया है और एक नया सब्जेक्ट बनाया गया है जिसको हम लोग रेसिड्यूरी सब्जेक्ट कहते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि तीन लिस्ट के अलावा अगर कोई नया पॉइंट्स आ जाए, नए मुद्दे आ जाए, नए सब्जेक्ट्स आ जाए तो उसको रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स में रखा गया है और उस पर यूनियन गवर्नमेंट ही शासन कर सकती है, उस पर यूनियन गवर्नमेंट ही नियम बना सकती है। सो वी नोटेड अबव दैट द मोस्ट फेडरेशन दैट आर फॉर्म बाई होल्डिंग टूगेदर डू नॉट गिव एन इक्वल पावर टू द कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स। तो यहाँ क्लियर हो गया कि होल्डिंग टूगेदर में जो फेडरेशन काम करता है वहाँ सभी यूनिट को इक्वल पावर नहीं दिया गया है और इस तरीके से ऑल स्टेट इन द यूनियन, इंडियन यूनियन डू नॉट हैव द आइडेंटिकल पावर। अब यहाँ सबके पास आइडेंटिकल पावर नहीं है, हमने जम्मू कश्मीर का इस पर जिक्र किया था, जबकि अब जो है वो एक यूनियन टेरेटरी के रूप में इस्टेब्लिश हो चुका है। तो मेनी प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट एप्लीकेबल ऑन दिस स्टेट। बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो उस स्टेट्स में अप्लाई नहीं होते थे, जैसे कि परमानेंट रेसिडेंस सिस्टम या फिर लैंड का सेल एंड परचेजिंग, ये सब वहाँ आप नहीं कर सकते थे। तो सिमिलरली स्पेशल प्रोविजन एग्जिस्ट फॉर सम अदर स्टेट इन इंडिया एज वेल। ऐसा नहीं कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही ये सिस्टम लागू है, और भी कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे आप खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं जमीन जायदाद का। सो देयर आर सम यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियंस विच इंजॉय वेरी लिटिल पावर एंड देयर आर एरियाज विच आर टू स्मॉल बिकॉज एन इंडिपेंडेंट स्टेट बट विच कुड नॉट बी मर्ज विथ एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। किसी भी एग्जिस्टिंग स्टेट पे उसको मर्ज करना संभव नहीं है, जैसे कि कुछ एरिया है जैसे चंडीगढ़, लक्षद्वीप, ये दिल्ली, ये सभी कुछ यूनियन टेरिटरीज के अंतर्गत आते हैं और जिसपे केंद्र सरकार डायरेक्ट अपना शासन करती है। एंड दिस टेरिटरी डू नॉट हैव द पावर ऑफ अ स्टेट, स्टेट की तरह यहाँ पावर नहीं है। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैव द स्पेशल पावर टू रनिंग ऑफ दिस एरिया। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को वो पावर दी गई कि कैसे इस एरिया को रन किया जाएगा। सो दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज द बेसिक ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
एंड इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंज टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। तो ये जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट किया गया ये काफ़ी आसान नहीं है इसमें चेंजेस करना, क्योंकि पार्लियामेंट को ये डिसाइड करना है एंड द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंजेस दिस अरेंजमेंट। पार्लियामेंट के पास भी कंप्लीट रूप से अधिकार ये नहीं है, उसके लिए भी उस स्टेट गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता है। सो एनी चेंजेस टू इट्स हैज़ टू बी फर्स्ट पास्ड बाय द बोथ हाउस, पार्लियामेंट के दोनों हाउस से पास करना पड़ता है, वो भी एटलीस्ट 2/3 ऑफ मेजोरिटी से, 2/3 मेजोरिटी से उसको पहले पास करना पड़ता है, देन इट टू बी रेटिफाई बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट, और उसके बाद जब 2/3 मेजोरिटी से लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो जाता है, तब फिर जाके कम से कम जो पूरे स्टेट्स हैं उसमें से आधे स्टेट्स का समर्थन होना चाहिए, यानी कि वहाँ भी रेटिफाइड होता है, तब जाके चीज़ें पास हो पाती है। सो द ज्यूरिडिक्शन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओवरसीजिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न एंड द प्रोसीड्योर्स। तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन्स हैं, जो प्रोसीड्योर्स हैं, उस पर जुडिशियरी जो है वो इम्पॉर्टेंट मायने रखता है, यानी जुडिशियरी डिसाइड कर सकता है कि किसका पावर कहाँ तक है। तो इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट ऑफ द डिवीजन ऑफ पावर द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट मैन कैन मेक अ डिसीजन। द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास ये है पावर कि वो डिसाइड कर सकती है कि किसका अधिकार कहाँ तक है, ज्यूरिडिक्शन कहाँ तक है। सो द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय द लेविंग टैक्सेस इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन टू ईच ऑफ देम। यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास पावर है कि रिसोर्सेज के ऊपर टैक्स लगा के वो अपने लिए रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, साथ ही साथ ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस तरीके से कहाँ रेवेन्यू उनको क्रिएट करना है, कैसे उनको लगाना है रेवेन्यू। अब हम लोग नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे, हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, तो उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ 1947 में मैप के बारे में डिस्कस किया गया है, देखिए मैप दिया गया है कि 1947 में किस तरीके का हमारा मैप था और आज हमारा मैप क्या है, तो आप कंपेयर कीजिए 1947 के मैप को और आज के मैप को, और ये कुछ चीज़ें दी गई है इसमें आपको वर्क के लिए कि आप नेशनल और रीजनल बुलेटिन सुनिए और फिर वहाँ से आप डिसाइड कीजिए कि कौन सा आइटम जो है वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट से डिपेंड रिलेट है और कौन से आइटम्स जो हैं वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट से डिपेंड रिलेटेड है और कौन से आइटम्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच के रिलेशनशिप को दिखाता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, पोखरण का, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम का टेक्स्ट बुक से रिलेटेड, और उस तरीके से फिर चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसको आप लोग पढ़ लेंगे। चलिए धन्यवाद। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड।